सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्सिस को लिखते हैं अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर हमारे पास एन वन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कितना है वन पॉइंट सिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जितने भी हमारे पास कोर और क्लेडिंग स्टूडेंट्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास एन टू कितना है वन पॉइंट फोर फाइंड हम लोगों ने क्या करना है क्रिटिकल एंगल फॉर द इंटरफेस जो कि हमारे पास इक्वल है थीटा सी के मैक्सिमम एंगल फॉर इंसीडेंस सेकेंडली हम लोगों ने क्या फाइंड करना है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द एयर विच इज इक्वल टू थीटा डैश यूजिंग स्नेज लॉ फॉर पार्ट वन स्नै लॉ को यूज करेंगे वो क्या है एन वन साइन थीटा वन विच इज इक्वल टू एन टू साइन ऑफ थीटा टू यहाँ पर हम लोग थीटास की वैल्यू को लिखते हैं थीटा वन इज इक्वल टू थीटा सी एंड थीटा टू इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास एन वन की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट सिक्स साइन ऑफ थीटा सी विच इज़ इक्वल टू एन टू की वैल्यू है वन पॉइंट फोर इन टू साइन ऑफ नाइन्टी डिग्री सो साइन ऑफ थीटा सी विल बी इक्वल टू वन पॉइंट फोर डिवाइड बाय वन पॉइंट सिक्स सो थीटा सी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो पॉइंट एट सेवन फाइव फर्दर थीटा सी विल बी इक्वल टू सिक्सटी वन डिग्री सो थीटा सी हमारे पास क्या है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अब फिगर को देखते हुए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे थीटा डैश की वैल्यू को यहाँ पर हमारे पास जो थीटा डैश नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स वो कितना है नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा सी अब इसको माइनस करने के बाद हम लोग ईजिली थीठा डैश की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं थीटा डैश विल भी इक्वल टू 90 डिग्री जो कि थीटा सी की वैल्यू थी सो थीटा डैश विल बी इक्वल टू 29 डिग्रीज पर अगेन हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज करते हुए थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या होगा एन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन वन साइन ऑफ थीटा डैश यहाँ पर हमारे पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो एन है वो किसके लिए है एयर के लिए जो कितना होता है हमारे पास वन वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर सो so, वन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू साइन ऑफ ट्वेंटी नाइन डिग्री सो साइन थीटा इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू जीरो पॉइंट फोर एट फाइव सो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो पॉइंट सेवन सेवन सिक्स सो थीटा विल बी इक्वल टू फिफ्टी वन डिग्री ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स एंगल किसके लिए जो हम लोगों ने फाइंड करना था सो so, स्टूडेंट्स इस स्टूडेंट्सर प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने एंगल्स की वैल्यू को यूज करते हुए जो गिवन एंगल था उसकी वैल्यू को फाइंड किया सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके चैप्टर टेन का अख्ताम होता है जिसमें हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कंसेप्शल स्टडीज को एक्सरसाइज को शॉर्ट क्वेश्चन को और नोम प्रॉब्लम को होप सो so, आपको आज का ये चैप्टर समझ आ गया होगा आई एम उसामा बिन कमर योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम टाट पी के होप यू आर डूइंग वेल अल्लाह हाफिज़